डिजिटल इंडिया बहुत जोर शोर से इसका आगाज हुआ। हमने भी सोचा देश डिजिटल बनेगा तो हम भी डिजिटल बनेंगे, लेकिन झारखंड के पलामू से जो तस्वीर सामने आई है वो देखकर मन में बस यही सवाल उठता है कि अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। क्या यही है डिजिटल इंडिया की हकीकत? बिना फोन बिना नेटवर्क बच्चे ऑनलाइन क्लास कैसे करेंगे? डिजिटल इंडिया पर नेटवर्क गायब, ऐसे में कैसे पढ़े बेचारे बच्चे? पलामू के खुराकला गांव के बच्चों का दर्द। अगर मोबाइल भी है तो एयरटेल का सिम रखे, फिर भी तो घर में रहिएगा तो टावर ही नहीं देता है। जियो का रखते तो जियो में तो घर में एकदम ही टावर नहीं देता है, तो कहाँ से पढ़ाई हो पाए? पहले नहीं है हाथ में, तो घर में भी नहीं है, पापा के पास भी नहीं, भैया के पास भी नहीं, तो कैसे पढ़ाई होगा? ये छात्राएं पलामू के खुराकला गांव की है। इनकी क्लास व्हाट्सएप के जरिए होती है, पर इस गांव में नेटवर्क ही नहीं आता। ये कहानी सिर्फ इस गांव की नहीं, ऐसे कई गांव हैं जहां परेशानी कुछ ऐसी ही है। घर पे एक ठो है और सब दो तीन ठो पढ़ने वाला होते हैं, इसलिए दिक्कत होता है पढ़ने के लिए। एक ठो फोन से अब एक ही टाइम पर सब अथी ऑनलाइन आएगा तो फिर कैसे पढ़ेंगे? होता है पढ़ाई करने के लिए, और ऐसे भी मोबाइल नहीं है हम लोग के पास तो पढ़ाई कैसे करें? और ऐसे भी पढ़ाई बहुत 2020 से रुक चुकी है। फोन नहीं है, फोन था पर खराब हो गया। यहाँ देहात और ग्रामीण क्षेत्र का पढ़ने वाले बच्चे लोग का स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि इन लोग के पास गरीबी के कारण बड़ा मोबाइल नहीं है। तो अगर बड़ा मोबाइल रहता तो ये लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता था, लेकिन इन लोग के पास बड़ा मोबाइल नहीं है। पलामू में 2,564 सरकारी स्कूल है। इन स्कूलों में 3,93,364 छात्र छात्राएं हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए 1,431 व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं। इन ग्रुप्स में मात्र 82,986 छात्र छात्राएं जुड़ते हैं। कुछ छात्र छात्राओं का 55.8% हिस्सा ही ऑनलाइन क्लास में जुड़ पाता है। कोरोना काल में विद्यालय में पठन पाठन बंद है, स्कूल बंद हैं, तो सरकार का गाइडलाइन के अनुसार हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है, और स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो भी रही है। कहीं कहीं इशू होता है, किसी किसी के पास, किसी गार्जियन के पास स्मार्टफोन नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि ऑफलाइन क्लास हो। ऑफलाइन मतलब मोहल्ला क्लास हुआ, टोला मोहल्ला में हुआ। लेके हैं जो सुदूरवर्ती इलाके हैं जहाँ पे यही समस्या है, कहीं नेटवर्क नहीं है तो कहीं गरीबी के कारण घर में स्मार्टफोन नहीं है, और इन बच्चियों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है। जिनके पास सुविधा है वो तो पढ़ ले रहे हैं, पर जिनके पास सुविधा नहीं उनका क्या होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल ये भी है कि डिजिटल इंडिया में अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? पलामू से न्यूज़ 11 भारत के लिए नील कमल की रिपोर्ट।